नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है ताकि आप और आपकी कोख में पल रहा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। आपको यह भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप प्रेगनेंसी पीरियड में क्या खाएं और क्या न खाएं, क्या एक्सरसाइज करें। हालांकि इन सब के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें लापरवाही बरतना नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों से आपको और आपके बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है, फ्रेंड्स, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी सावधानी है जो आपको प्रेगनेंसी के वक्त बरतनी है। पहली सावधानी है कि आपको गंध से दूर रहना है। कहीं चीज़ों की गंध से आपके बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। अगर आप खुद घर की दीवारों पर पेंट करने जा रही हैं तो रुक जाएं, क्योंकि यह आप पर बुरा असर डालता है। अगर घर के किसी हिस्से में पुताई हो रही है तो उस जगह से दूर रहें। पेंट से निकलने वाले कुछ पदार्थ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। उन्हें सांस लेने के साथ अंदर लेने से बचें और ध्यान रखें कि ऐसी जगह से आप बिल्कुल दूर रहें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले नुकसान की, जो कि है गर्म पानी से नहाना। अक्सर प्रेग्नेंट महिलाएं गर्म पानी से नहा लेती है, पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अगर गर्म पानी से नहाना आपको रिलैक्स महसूस होता है तो थोड़ा ठहर जाएं। हालांकि गर्म पानी से नहाने में कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन संभव है कि शरीर का तापमान 101 डिग्री तक पहुंच जाए और आपका ब्लड प्रेशर गिर सकता है। ऐसा होने पर आपके बच्चे को जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। गर्भवती महिला को अपने शरीर का तापमान 101 डिग्री से नीचे ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले नुकसान की, जो कि है ज़्यादा मात्रा में फलों का सेवन करना। यह सुनकर भले ही आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन फलों का जूस प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फलों के जूस से बेहतर है कि आप फल खाएं, क्योंकि जूस में शुगर की मात्रा अधिक और फाइबर कम होता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। ज़्यादा मात्रा में फलों के जूस के सेवन से गर्भवती महिला को मधुमेह हो सकता है, यानी कि शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगली सावधानी की, जो कि है पीट के बल सोना। आप में से कई महिलाएं पीट के बल सोने की कोशिश करती हैं या सो जाती है, यह उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सोने की सबसे सही पोजीशन बाएं करवट में सोना होता है। हालांकि यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है और आप अपनी पोजीशन बदलना चाहें तो आप ऐसा कर सकती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि पीठ के बल सोने से बच्चे, जब गर्भवती महिला पीठ के बल लेटती है तो गर्भाशय का पूरा भार शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ सकता है। पीठ के बल सोने से सांस संबंधी समस्या भी हो सकती है, इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए और कोशिश करें कि आप बाहीं तरफ करवट करके ही सोए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगली सावधानी की, जो कि है स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी होती है कि प्रेगनेंसी के वक्त ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कर लेती है जो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप अपनी स्किन पर जो भी कुछ लगाती है वह शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसका प्रभाव आपके बच्चे पर भी पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान इन केमिकल से खास तौर पर बचाव करना चाहिए। अपने ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक बार इनको जरूर चेक कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, पर मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही कम करें या बिल्कुल भी ना करें। तो देखा फ्रेंड्स आपने, यही थी कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स जो आपको प्रेगनेंसी के वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, इसलिए आपको इन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।